खबर भारत एमपीसीजी न्यूज चैनल का नए साल के मौके पर रिपोर्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों से खबर भारत के रिपोर्टर्स ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारिता में बढ़ती चुनौतियों से लेकर बदलाव और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। रिपोर्टर्स मीट में खबर भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ रिदेश धारवार, स्टेट हेड पंकज गुप्ता और ब्यूरो हेड जीएस भारती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद चैनल के सभी वरिष्ठ जन मध्य प्रदेश के हर कोने से इस मीट में शामिल होने पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। वहीं खबरों की समझाइश के साथ साथ चैनल के विकास, एडवर्टाइजिंग और खबरों के विश्लेषण पर अपनी अपनी बात रखी। शुरुआती स्पीच में स्टेट हेड पंकज गुप्ता ने प्रदेश के संवाददाताओं, मीडिया के कामकाज के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि आर्थिक तौर पर खबर भारत की ये कोशिश रही है कि वो अपने सभी संवाददाताओं को बेहतर स्थिति में रखे। इसके साथ ही महामारी के इस दौर में भी खबर भारत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, ये एक हर्ष का विषय है। उन्होंने आगे कहा, आर्थिक मुश्किलों के बावजूद पत्रकारों के समक्ष बेहतर काम करने की चुनौती है। इसमें पत्रकारिता मूल्यों को बचाए रखते हुए समाज से जुड़ी समस्याओं को उठाना है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग से खबर भारत प्रदेश का नंबर वन चैनल बनेगा। आप सभी का स्वागत है। आदरणीय हमारे संवाददाता हृदय धारवाड़ जी सभी परिचित हैं, है ना? हमारे साथ उपस्थित हमारे ब्यूरो हेड जय भारती जी, हमारे जीएम साहब जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारे चैनल को चलाने की, मिश्रा जी, और आप सब सभी मित्रों का स्वागत, उनका भी जो खबर भारत में अभी भी शामिल हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, पिछली बार भी कुछ लोग आए थे शायद इनमें से बैठे थे यहाँ पर, लेकिन आपने सभी ने देखा होगा कि एक हमारी संख्या काफ़ी कम थी और आज अभी कुछ महीनों में ही हमारी संख्या आज इतनी हो गई है कि हमारे लिए कमर छोटा छोटा पड़ने लगा। और मुझे लगता है पिंटू जी, हमें अगली बार कोई बड़ी जगह देखनी पड़ेगी। खबर भारत परिवार बढ़ता हुआ परिवार है और ये बड़ा खुशी का विषय है कि हम लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जैसा कि भारती जी ने बताया कि हम लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारे चैनल आते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के चैनल आते हैं, लॉन्च होते हैं, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लॉन्चिंग में खर्च करते हैं, एक बड़े अपनी ब्रांडिंग करते हैं। निश्चित तौर पर खबर भारत इस मामले में थोड़ा सा धीमे हैं, लेकिन हम शायद कछुए की चाल से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जल्दी खरगोश की तो दौड़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत अनसर्टेन है। अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि मार्केट कैसे चलेगा आगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं, हम कोरोना की दहशत से अभी भी जी रहे हैं, आज हम बैठे अभी भी तीसरी लहर की संभावना को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चैनल जो है बहुत हद तक बाजार पे डिपेंड करता है, बाजार पे निर्भर है हमारा चैनल। तो हमें कभी भी बाजार को भी देखना पड़ता है कि हमारी रफ्तार और बाजार की रफ्तार कैसे चलेगी, क्योंकि कोरोना में अगर फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो जैसे पिछले आपने देखा होगा बहुत सारे संस्थानों में सैलरी का संकट हुआ, बहुत सारे लोगों को नौकरी से बाहर जाना पड़ा। तो हम नहीं चाहते कि खबर भारत परिवार में ऐसी कोई भी परिस्थिति पैदा हो और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको किसी तरह के आर्थिक परिस्थितियों का सामना, खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो अभी जैसे हमारे भारती जी ने बताया कि हम तो और आगे सोच रहे हैं, हम तो सैलरी बेस्ड स्ट्रिंगर रखने का सोच रहे हैं। तो हमारी जो प्लानिंग इतनी बड़ी है आगे, तो निश्चित तौर पे आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग पहले से हैं। देखिए अभी हम बहुत समीक्षा पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि देखिए अभी लगातार हम अच्छा करने की कोशिश में, अभी हम बहुत सारी कमियां आपकी अपने हिस्से में ले लेते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास कुछ अभी संसाधनों की कमी के कारण ऐसा हो रहा हो, लेकिन हम अब बेहतर संसाधन इकट्ठे कर चुके हैं और हम अब इससे और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहेंगे। तो हमारे मैं यही सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से कि जैसा कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बिजी थे, एक हमारा उस पर जोर था, लेकिन हम अब काफी हद तक इस पे हमारा नियंत्रण हो चुका है। हमारा चैनल एक स्थापित चैनल की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की शंकाएं थी, आप लोग भी निश्चित तौर पर शंकाएं रहे होंगी, भले ही आप लोग सवाल ना करें, लेकिन चैनल को लेकर शंकाएं रहती हैं। एज ए पत्रकार मैंने बहुत सारी चैनल खुलते हैं तो हम शंका की दृष्टि से देखते हैं उसका सफर कितना लंबा होगा, लेकिन अब जैसा भारती जी ने कहा कि हम एक साल का सफर पूरा करने वाले हैं लगभग।
क्योंकि देखिए पहले भी जहां थे उससे हम बेहतर स्थिति में हैं, और अभी जो आप सैटेलाइट होने के बाद हमारा सैटेलाइट अभी भी हो जाता, शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उससे कारण से थोड़ा हम विलंब है, लेकिन ये बहुत जल्दी समस्या दूर करके हम एक सैटेलाइट चैनल बनेंगे और हम सबको एकजुटता के साथ इसके लिए काम करना है। तो मुझे लगता है इतना अभी फिलहाल पर्याप्त है, अगर हम जाते जाते चाहेंगे तो एक सेशन में और बात कर लेंगे, है ना। फिर जैसे ये सेक्शन में खत्म होगा इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी तो एक सेक्शन में और बात कर लेंगे, ठीक है। खबर भारत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल के आह्वान पर प्रदेश के उम्दा पत्रकारों के बीच इस दौरान निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में भी चर्चा हुई। इस दौरान चैनल के एडिटर इन चीफ हृदेश धारवार ने सभी रिपोर्टर्स को निष्पक्ष होकर अपनी बात सटीकता से रखने के बारे में टिप्स दिए। उन्होंने कहा, खबर भारत लगातार बीते एक साल से निष्पक्ष तौर पर संचालित हो रहा है और अब तक चैनल पर किसी भी दल विशेष का ठप्पा नहीं लगा। उन्होंने आगे कहा कि खबर भारत जनहित के मुद्दों को सर्वोपरि रखता है और अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाता है, यही हमारी मूल पहचान है। जैसे कि आपको पता है कि खबर भारत को जल्द ही एक वर्ष पूर्ण होने वाला है और ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है कि हम लोग सफलता पूर्वक चल रहे हैं। पत्रकारिता में निष्पक्ष रहना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, तो आप सबके सहयोग से हमने एक साल के भीतर निष्पक्ष पत्रकारिता का एक आयाम स्थापित किया है, क्योंकि वर्तमान दौर में पत्रकारिता एक अलग तरीके से गुजर रही है। आप पहले जानते हैं तरह तरह के दबाव होते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, इन तमाम चीजों के बीच हम अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित कर पाते हैं निष्पक्षता के तौर पर। तो खबर भारत एक ऐसा चैनल अभी मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है जिस पर एक साल के भीतर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा है। चलो निष्पक्षता ही हमारी पहचान है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हम निष्पक्ष बने रहें, हमारे ऊपर किसी दल विशेष का ठप्पा नहीं पड़े, न कि व्यक्ति का ठप्पा पड़े। तो टारगेट बेस्ड पत्रकारिता हम बिल्कुल नहीं करते, जो खबर होती है खबर हम दिखाते हैं। आपने महसूस किया होगा खबर कंपनी कभी नहीं करती है, और पत्रकारिता में जनहित के मुद्दे सर्वोपरि रखते हैं। जनहित से जुड़ा कोई भी एक विषय आता है उसको हम लोग तत्काल दिखाते हैं और जिम्मेदारों तक बात पहुंचाते हैं, यही हमारी मूल पहचान है। क्योंकि पत्रकारिता में तरह तरह की चीजें जो आप देख रहे हैं वर्तमान दौर में, तो वाकई वो चिंता का विषय है। जो कि पहले का दौर था जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब मैंने उस चीज को महसूस किया। तो खंडवा गए थे वहां, तब वो कलेक्टर से वहां गए, तो मतलब वो दौर हमने दिया है, कम से कम एक रिपोर्टर मात्र थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनको मैसेज था कि रिपोर्टर भोपाल से कवरेज करने के लिए आए हैं, तो कलेक्टर साहब खुद गेट पर खड़े होकर रिसीव करने के लिए आए थे। रिसीव किया, बकायदा चीजें बताई, उन्होंने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू के बाद वहां चले तो गेट तक छोड़ दिया गया है, तो वो सम्मान भी हमने प्राप्त किया है सिर्फ अपने काम की बलबूते पर। तो आप भी अपने काम की पहचान ऐसे बनाइए कि लोग आपको याद रखें, क्योंकि आज का यूट्यूबर का जमाना है, तो यूट्यूबर में इतने सारे लोग आ गए हैं तो असली नकली का फर्क खत्म हो गया। हम तो चैनल हैं, सीख रहे हैं, लाइन पर चल रहे हैं, तो हमें अपने आप को स्थापित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ काम ही हमारी ताकत है, जिसके बल पर हम आगे चल सकते हैं और अपना विश्वास हासिल कर सकते हैं। मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ, कलम ही हमारी ताकत है, जान पर अनेकों आफत है, फिर भी मैं कभी डरता नहीं, सर्वदा सच्चाई लिखता हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ, आवाज हिंद की आवाज हूँ, लोकतंत्र का मैं साज हूँ, जनता की आलोचना का हर बार बनता शिकार हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ, कलम के बूते में लिखता हूँ, कलम के चलते में जीता हूँ, धमकियों को रख किनारे बेबाक पत्रकारिता करता हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ, चलता फिरता समाचार हूँ, रोज नए खबर के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, कई बार गिरता हूँ और कई बार संभलता हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ, कई बार तो मैं भीड़ के गुस्से का शिकार भी बनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं डरता नहीं, झुकता नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। इन सबको दरकिनार कर हर रोज ढांढस बांधे निकलता हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, एक चलता फिरता समाचार हूँ, है। रिपोर्टर्स मीट के दौरान खबरों को और बेहतर बनाने के लिए एक विशेष परिचर्चा हुई। वहीं खबर भारत चैनल के ब्यूरो हेड जीएस भारती ने रिपोर्टर्स का स्वागत करते हुए चैनल के चेयरमैन का मैसेज रिपोर्टर्स तक पहुंचाया। उन्होंने चैनल की आगामी रणनीतियों को भी सभी के बीच साझा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म तक चैनल को लाया जाएगा।
उन्होंने ये बात भी कही, हमारा उद्देश्य सिर्फ पत्रकारों के हित के लिए है। बधाई हुए सभी साथियों का भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका मैसेज आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपको सबको ज्ञात होगा कि हमारा खबर भारत न्यूज चैनल जो है वो लगभग 10 महीने के लगभग उसको हो चुका है। 10 महीने पहले खबर भारत की शुरुआत हुई थी और शुरुआत के बाद जैसे कि देखा कि डिजियाना के केबल नंबर 365 पे भारत के जहाँ जहाँ भी केबल लगी है भारत में वहाँ पे दिखाई देता है। और आने वाले समय में जो हमारा छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत होने वाली है, तो 2 केबल नेटवर्क रहेंगे उस पर भी ये प्रसारण इसका रहेगा। तो ये 20 तारीख के बाद वहाँ से भी छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है, काम वहाँ पे चल रहा है, टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो ये सेटेलाइट पर भी आने वाला है, बात चल रही है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। और इसमें फरवरी के फर्स्ट वीक में नेशनल का कोई भी प्लेटफॉर्म पे भी प्रसारण लगभग रहेगा, चाहे तो टाटा स्काई हो सकता है, एयरटेल हो सकता है या फिर अदर कोई भी रहे, तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि खबर भारत की शुरुआत जो हुई थी तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है और हमारा भी एक प्रयास है कि जो भी हमारे साथ टीम बनी है या बनती जा रही है तो वो खबर भारत के परिवार का जब हिस्सा होती है तो अच्छे से काम करे। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो लोग हमारे साथ अच्छे से काम करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संस्थान भी उसके आगे भविष्य के लिए कुछ प्लान भी किया है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि संस्थान ने जो भी हमारे स्टिंगर्स हैं, संवाददाता हैं जिले में या तहसील में, उनके लिए फिक्स वेतन की भी प्लानिंग चल रही है, उनको मासिक जो वेतन रहे वो दिया जाए। लेकिन पॉलिसी जो है वो संस्थान की रहेगी और संस्थान की पॉलिसी में जो काम करेगा वही पात्र भी रहेगा। तो जो खबर भारत का आने वाले समय में बहुत अच्छा एक प्लान भी है। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि खबर भारत में जैसे जो भी हमारे संवाददाता रहेंगे तहसील स्तर पर रहें या फिर जिले स्तर में रहें तो उनका भी एक शेयर मान के चले, जो काम करेंगे उनका खबर भारत में भी एक शेयर के रूप में उनका योगदान रहेगा, ऐसा हमारा एक प्लान है। और देखने को ये भी मिलता है कि कई साथी जो हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, शायद धैर्य की भी कमी होती है उनको। और हम भी यही चाह रहे हैं अभी कि जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो कुछ समय से जो शुरुआत हमारी हुई थी वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ साथी बीच से आके जुड़े हुए हैं और कुछ अभी यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो अभी उन्होंने खबर भारत परिवार में नई शुरुआत की है, तो वो ऐसे लोग भी हमारे साथ में हैं। लेकिन कंपनी का उद्देश्य जो है वो पत्रकारों के हित के लिए है और पत्रकारों का हित ही मान के चलो कि कंपनी का भी एक बड़ा उद्देश्य है। और कंपनी जो है उसका बैकअप बहुत बड़ा है, बहुत आगे का प्लान है। शायद कई लोग बोलते हैं कि अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है या और प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, लेकिन कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई है वो बड़े ही स्लो चलने की बनाई है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब चैनल की शुरुआत हुई थी उस समय कई चैनल जो काफ़ी समय से चल रहे थे वो शायद बंद हो गए थे। जब हमारे चैनल की शुरुआत हुई थी तो कोरोना का पीक समय चल रहा था, उस समय हमारे चैनल की शुरुआत हुई थी और काफ़ी समय भी ऐसा रहा कि और भी चैनल भी बंद हुए, संस्थान भी बंद हुए, लेकिन हमारा चैनल जो है वो धीरे धीरे स्पीड से चल रहा है और आगे ग्रोथ ही करना है उसको। तो बाकी डायरेक्टर सर का जो हमारे चेयरमैन साहब का मैसेज यही है कि अगले जो फरवरी है, फरवरी के फर्स्ट वीक में संभवतः शुरुआत अच्छी होने वाली है। धन्यवाद। आयोजन के दौरान खबर भारत न्यूज चैनल के लिए उत्कृष्ट रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाताओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सिंगरौली संवाददाता वंशमणि द्विवेदी, सुजालपुर संवाददाता पिंटू सोनी और भोपाल संवाददाता प्रदीप तलरीजा को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।